हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो कल से काफ़ी ज़्यादा मेरे पे मैसेज भी आ रहे हैं हमारे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में और हमारे टेली और हमारे फेसबुक पर जो हमारा ग्रुप चल रहा है जिसमें 45 मेम्बर है। तो ये मेम्बर है तो वो भी काफ़ी यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम के लिए, जो थर्ड ईयर का ओपन बुक एग्ज़ाम होगा सेकंड फेज़ का, जिसके लिए कल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो अगर वो किसी ने नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो आप जाके उस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है कि सर कौन एलिजिबल है, कौन नॉट एलिजिबल है, ठीक है ना। तो इसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है कि कौन एलिजिबल है, कौन नॉट एलिजिबल है, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ओपन बुक एग्ज़ाम दिया था मई जून में और जिनके लेट एग्ज़ाम भी उनके सबमिट हुए थे आंसर शीट। क्या उनको ये डर लग रहा है कि सर क्या हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमें डर लग रहा है कि अगर हमारी आंसर शीट चेक नहीं हुई, कंसीडर नहीं हुई तो हम फेल हो जाएंगे। तो उसके लिए मैं बताऊंगा। और दूसरी बात, अगर मई जून वाले एग्ज़ाम में अगर फेल हो गए, क्या सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम दे सकते हैं नहीं, इसके ऊपर भी मैं बताऊँगा। उससे पहले आप कॉलेज अपडेट्स को अभी ज्वाइन करें, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। अब देखिए, पहली बात तो ये सारे डाउट मैं आपके पहले क्लियर कर देता हूँ जो डेट शीट और एडमिट कार्ड से रिलेटेड डाउट है। देखिए, हर किसी चीज़ का एक प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस के रूप में पहला स्टेप उन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म उन्होंने बताया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाया है तो वो अपना एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट कर सकता है। अब एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट किसको करना है ओवी के लिए, तो देख लीजिए, जिन्होंने इस सेशन में एडमिशन नहीं लिया है, मतलब इस साल के लिए, तो उन्हीं को सिर्फ एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करना है। अगर आपने एडमिशन फ़ीस पहले ही पे कर दी है इसी साल और क्या कहते हैं अभी आपने एग्ज़ाम देना भूल गए, तो आपको दोबारा नहीं भरना है, ठीक। और अगर आपने पिछले साल पेपर दिया था और इस साल भी देना चाहते हो तो आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये सब उन्हीं स्टूडेंट को भरना है जिन्होंने नए सेशन के लिए एडमिशन नहीं लिया थर्ड ईयर में, ठीक है। आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद आपको और मैं समझा नहीं पाऊँगा, क्योंकि इसी तरीके से मैं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि तब भी स्टूडेंट नहीं समझ पा रहा, ठीक है। अब दूसरी बात, एडमिट कार्ड और डेट शीट कब तक आएगी। देखिए, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ चलती है, हर चीज़ का प्रोटोकॉल होता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने पहले ही कहा था, जैसे हम बताते आ रहे थे, उसके लिए काफ़ी स्टूडेंट को विश्वास ही नहीं था, जो विश्वास अब आ चुका होगा। पहला स्टेप है एग्जामिनेशन फॉर्म, दूसरा स्टेप है गाइडलाइन, तीसरा स्टेप है डेट शीट, चौथा स्टेप है एडमिट कार्ड, पांचवा स्टेप है आपका पेपर, ठीक है। तो उस नोटिफिकेशन में उन्होंने साफ साफ बोला है कि पहले आप एग्जामिनेशन फॉर्म अपना सबमिट करो, उसके बाद हम आपको गाइडलाइन देंगे। गाइडलाइन जैसी आपकी आएगी तो उसके हिसाब से आपको अपना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना। अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर रखा है तो आपको दोबारा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जब रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो पहले तो गाइडलाइन को मैं सारा डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे क्या करना है, और दूसरा फिर आपका डेट शीट आएगी, फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा। अब ये रही प्रोटोकॉल की बात कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलेगा। अब सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है कि एलिजिबल एंड नॉट एलिजिबल फॉर ओबी एग्ज़ाम। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। पहले तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा कोई भी स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए, ऐसा कोई भी स्टूडेंट जो कोविड के कारण या मई जून में किसी भी कारण से अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाया है या जिसका एक दो एग्ज़ाम छूट गया है, वो सेकंड फेज़ का ओपन बुक एग्ज़ाम देगा। समझ में आ गई? ये अभी तक के नोटिफिकेशन में क्लियर उन्होंने बोला है। जिन्होंने एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया या जिनका एक या दो एग्ज़ाम छूट गया वो देगा, ठीक है। दूसरा, क्या सर हम जैसे मई जून वाले में अगर हम फेल हो गए क्या हम सेकंड फेज़ में देके पास हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आपकी फर्स्ट फेज़ की कॉपी उनके पास पहुंच गई होगी और अगर आपने सेकंड फेज़ का भी अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया और अगर वो कॉपी चेक हो गई होगी दोबारा, अगर वो उन्हें कॉपी मिली तो वो कॉपी भी कट हो जाएगी, ये भी कॉपी कट हो जाएगी, दोनों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप फेल हो जाओगे। ये साफ साफ इनका बोलना है, क्योंकि पिछली बार ऐसा ही हुआ था कि अगस्त में भी बच्चों ने पेपर दिया और सितंबर में भी बच्चों ने पेपर दिया, जिसकी वजह से डबल कॉपी उनके पास पहुंच गई कि उससे कोई बेनिफिट तो है नहीं। जितना आप फर्स्ट ईयर में फर्स्ट फेज़ में जितना लिखोगे उतना सेकंड फेज़ में लिखोगे। उससे क्या हुआ, उन्होंने पहले क्लियर नहीं किया था ये बात
कि जिन्होंने पहला दिया है तो वो दूसरा नहीं दे सकते, तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, इतनी परेशानी हुई एक तो छांटने में, और इतना लेट रिजल्ट आया जिसका परिणाम आज बच्चे भुगत रहे कहीं ना कहीं, एक साल बच्चों की बर्बाद हो गई। तो इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी SOL ने पहली एग्ज़ाम में क्लियर कर दिया था कि जो फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम सक्सेसफुली दे चुका है, जिस पर मैसेज आ चुका है सबमिट का, उसको सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम नहीं देना है। अगर वो किसी कारण से सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम दे देता है, क्योंकि इसमें अटेंडेंस नहीं होती, साफ सीधी बात है, ठीक है, पहली बार डेट एडमिट कार्ड सबका आएगा और पेपर का पोर्टल सबके लिए ओपन होगा, पर आप तभी इस एग्ज़ाम को अटेंड करना जब आपने कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है या जब आपका कोई एग्ज़ाम छूट गया है, ठीक है। अगर आपकी दोनों आंसर शीट वहाँ पहुँची और उनके हाथ में आई तो इतना याद रखना, आपका रिजल्ट NA हो जाएगा, नॉट अवेलेबल, और आप फेल हो जाओगे। ये साफ साफ गाइडलाइन में बोलना था, पहली वाली गाइडलाइन में, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी और नॉट एलिजिबिलिटी की मैं एक और बार बता देता हूँ कि हमने आंसर शीट लेट सबमिट की है, क्या हम दोबारा एग्ज़ाम दे सकते। देखिए ये चीज़ अभी तक कॉन्फिडेंटल है, क्योंकि अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी इसके रिकॉर्डिंग नोटिफिकेशन नहीं आया है। कल जो नोटिफिकेशन आया है वो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का आया है, और उन्होंने उसमें कहा है कि पहले स्टूडेंट एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप करे, क्योंकि आप देख सकते हो कि सेकंड सेमेस्टर वालों को भी लास्ट चांस दिया गया है, ऐसी ये आपके लिए लास्ट चांस है। अब देखिए जितने भी मेरे साथ ऐसे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस चांस को जाने ना दे। अगर आप अभी भी एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हो तो फिर मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको दूसरा मौका दे रही है। अब आपके मन में वही डाउट है अभी भी जो मैं डाउट पहले बता रहा था, कि सर हमने लेट एग्ज़ामिनेशन आंसर शीट मतलब एग्ज़ाम दिया है, हमारी आंसर शीट सबमिट हुई या नहीं हुई हमें नहीं पता चला, हमारा मैसेज नहीं आ रहा। देखिए ये जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक वहाँ से गाइडलाइन सेकंड फेज एग्ज़ाम की रिलीज़ नहीं की जाएगी, अगर उस गाइडलाइन में ये लिखा है कि अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट जिसने अपना एग्ज़ामिनेशन लेट सबमिट किया है और वो एलिजिबल है तो आप दे सकते हो, अगर उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ उसके लिए वही एलिजिबल स्टूडेंट है जिन्होंने अपना एग्ज़ाम जिनका छूट गया है या जिन्होंने बिल्कुल नहीं दिया किसी कारणवश, अगर वो एलिजिबल है तो सिर्फ ये एग्ज़ाम वो ही देंगे। अब ये जितनी भी क्लियर बात है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगी मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा, पर हाँ ये कन्फर्म है कि जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया या जिनका एक भी एग्ज़ाम छूट गया है वो उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और अगर आपने डबल बार एग्ज़ाम दिया, अगर आपने चीट करने की कोशिश करी दिल्ली यूनिवर्सिटी को, तो इतना याद रखना दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी डिग्री के साथ, आपके करियर के साथ, आपके फ्यूचर के साथ चीट कर लेगी, फिर आप उनका प्रोटोकॉल तोड़ देंगे, जिसके कारण आपकी जो मार्कशीट होगी, जो आपकी 3 साल की मेहनत होगी, जो आप 2 साल आप सेंटर में पेपर आपने फर्स्ट ईयर का पेपर दिया होगा ये मान के चलना, वो पूरा पानी उसके ऊपर फिर जाएगा। फिर उसके बाद ये मत कहना कि सर हमारी हेल्प करो, सर हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। इसीलिए अगर आपके पास मैसेज आ गया संभाल के रखो, क्योंकि रिजल्ट फर्स्ट फेज़ का पहले आएगा, सेकंड फेज़ का बाद में आएगा, ठीक है ना। और एक बात और, फिर भी इसके अलावा कोई डाउट है तो ज़रूर हमसे पूछ सकते हो। ये वीडियो इसीलिए बनाई गई है कि एलिजिबल नॉट एलिजिबल कई ज़्यादा स्टूडेंट पूछ रहे थे, ठीक है। अब जैसी गाइडलाइन आपकी आने वाली जैसी आएगी मैं आपको बता दूंगा, कहीं नहीं जाना, हमसे जुड़े रहिए और टाइम टू टाइम अब तो आपको अपडेट मिल रही है और मिलती रहेगी। और एक बात और, प्लीज़ जो मैंने इस वीडियो में शुरू में बताई उस बात को ज़रूर सुने ध्यान से, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी को चीट नहीं करना है, ठीक है ना। बस मैंने आपको बता दिया, बाकी गाइडलाइन आ जाने दीजिए, सारा क्लियर हो जाएगा, समझ गए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड और ग्रुप पर शेयर कर दे और उन्हें बता दे कि कॉलेज अपडेट्स आपके साथ खड़ा है। थैंक यू सो मच।